नमस्कार साथियों, एस्ट्रो आरबी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य रामव्यास मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं भगवान शनिदेव कर्म फलदाता किन किन राशियों के लिए अपनी साढ़े साथी और ढैया से छप्पर फाड़ के देने वाले हैं और किन किन राशियों के लिए अपनी ढैया और साढ़े साथी जो उतर चुकी है शनि की, उन राशियों के लिए क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है। तो साथियों, आज मैं आपको विशेषतर भगवान शनिदेव की ढैया और साढ़े साथी के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन किन किन राशियों पर भगवान शनिदेव अपनी कृपा से छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। तो भगवान शनिदेव मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु, मकर और कुंभ राशि के लिए बहुत शुभ होने वाले हैं, छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। जी हाँ, यदि आप लोग भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर के ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सनिश्चराय नमः का जाप करते हैं और भगवान शनिदेव की मूर्ति पर फूल से तिल का तेल टच करते हैं, यानी उड़ेलना नहीं है साथियों, भगवान शनिदेव की मूर्ति पर फूल से टच करना है, यानी यदि हमारी बॉडी पर कोई तेल उड़ेल दे तो हमें कैसा महसूस होता है, ऐसा नहीं करना है। भगवान शनिदेव की मंदिर में जाकर के शनि की मूर्ति पर तेल में फूल टच करके शनिदेव के अंगों को बड़े प्यार से टच करना चाहिए, जिससे भगवान शनिदेव आपके प्यार से और आपके लगाने के और आपके भाव से भगवान शनिदेव प्रसन्न होकर के आपको छप्पर फाड़ के देंगे। यानी क्या क्या करने वाले हैं शनिदेव आपकी राशि के साथ, यानी विशेषतर धनु, मकर, कुंभ और विशेषतर सिंह राशि वालों के साथ, यानी भगवान शनिदेव आपको जिन व्यक्तियों का करियर में रुकावट लगी हुई है उनका करियर बनेगा, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होगा, संतान नहीं हो रही है तो संतान होगी, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन होगा, आपको देशाटन तीर्थाटन में बाधाएं आ रही हो तो बाधाएं दूर होगी और विशेषतर घर में कोई रुग्ण व्यक्ति है, बहुत समय से कोई व्यक्ति आपके परिवार में, यानी आपके पिता, आपके दादा, आपकी दादी, यानी कोई भी पारिवारिक, यानी पति पत्नी में कोई भी यदि बीमार लंबे समय से चल रहा हो तो उसकी बीमारी दूर होगी। और सावधान रहिएगा साथियों, यानी कन्या, तुला और मीन राशि वालों के लिए भगवान शनिदेव की ढैया और साढ़े साथी कष्ट भी देने वाली है। कष्ट नहीं देगी, कैसे नहीं देगी उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूं। भगवान शनिदेव के पहले तो मंदिर में जाकर के सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनि चालीसा का पाठ करें और शनि चालीसा का पाठ बड़े प्यार से करना है, धीरे धीरे करना है, भगवान शनिदेव की मूर्ति का ध्यान करते हुए करना है। कौन कौन सी मूर्तियां, यानी भगवान शनिदेव के जो वाहन हैं, हाथी, कौवा, गधा, घोड़ा, मयूर, इन के ऊपर भगवान शनिदेव जब आरूढ़ होकर के आते हैं तो शुभ लाभ प्रदान करते हैं। यानी अपने मन में भगवान शनिदेव की मूर्ति का ध्यान करके आपने भगवान शनिदेव की चालीसा पढ़नी है। शनिदेव की चालीसा पढ़ने के बाद जब आप अपने आसन से खड़े उठते हैं तो आसन से शक्कराय नमः का तिलक कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने जो पुण्य कर्म किया है भगवान इंद्र को चला जाता है। यानी आपने आसन उठाया, आसन उठा करके वहाँ पर थोड़ा गंगा जल डाल करके माथे पर तिलक कर दिया, शक्कराय नमः बोल दिया, तो जो पूजन आपने किया है, जो चालीसा आपने पढ़ी है, जो भी जाप आपने किया है उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, विशेषतर मेरा बताने का आप लोगों को ये ध्येय है कि आपकी पूजा का फल और आपको जो भी आप पूजन करते हैं उसका फल आपको प्राप्त हो। भगवान शनिदेव जिस व्यक्ति की कुंडली में, यानी
स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। भगवान शनिदेव कर्म फलदाता, जिस स्थान पर बैठते हैं यदि शुभ राशि में है, मित्र राशि में है और उसकी शुभ दृष्टि आपके भाग्य स्थान में है, आपके धन स्थान में है, आपके कर्म स्थान में है, आपके पराक्रम स्थान में है, तो स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी भगवान शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। यानी धन स्थान में बैठ गए तो धन की वृद्धि करेंगे, भाग्य स्थान में बैठ गए तो भाग्य को आगे बढ़ाएंगे और पराक्रम स्थान में बैठ गए तो परिवार को आगे बढ़ाएंगे और कर्म स्थान में बैठ गए तो कर्म को आगे बढ़ाएंगे, आय स्थान में बैठ गए तो आय की अधिकता करेंगे। और अशुभता क्या है? यदि व्यय स्थान में बैठ गया तो खर्चा अधिक करेंगे। और बारहवां स्थान मृत्यु की देवी महाकाली का भी है। बारहवें स्थान में शनिदेव हानि करते हैं, धन का नुकसान करते हैं। यदि रोग स्थान में बैठ गए तो रोग बढ़ाएंगे और यदि सप्तम स्थान में बैठ गए तो सप्तम स्थान पत्नी का स्थान है, पत्नी एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, यानी या फिर संबंध। इस तरीके से जो है भगवान शनिदेव आपके साथ जिन जिन भावों में आपकी कुंडली में बैठते हैं आपके साथ उस तरीके का प्रभाव डालते हैं। तो भगवान शनिदेव क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा, क्षण भर में आपको छप्पर फाड़ के देते हैं और क्षण भर में सब कुछ ले भी लेते हैं। यानी जो अधिक गुस्से वाला व्यक्ति होता है, जितना अधिक उसको क्रोध आता है उतना अधिक उसके मन में प्यार भी होता है। यानी भगवान शनिदेव को आप लोग मना दोगे, और भगवान शनिदेव को मनाने के ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा अनुष्ठान करना है, भगवान शनिदेव को मनाने के लिए आपने केवल भगवान शनिदेव की चालीसा मन से, भाव से और श्रद्धा से पढ़ना है। श्रद्धावान लभ्यते फलम, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। आप भावना से पाठ करिए तो भगवान आपकी तरफ उसी भावना से देखेंगे और आपका जो काम है, आपकी जो मनसा है, आपका जो भाव है, आपका जो व्यवहार है, उसमें दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि करेंगे। और यदि आपका भाव सही नहीं है, आपका मन सही नहीं है, आपका कर्म सही नहीं है, आपका कार्य सही नहीं है, आपकी आगे बढ़ने की युति सही नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है, तो शनिदेव आपको उसी भाव में ले जाएंगे। यानी आपको आगे बढ़ना है तो भगवान शनिदेव को मनाना होगा। और शनिदेव को मनाने के लिए यानी जो तांत्रोक्त मंत्र है वो है साथियों, ओम प्रांग प्रीं प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। और वेदोक्त मंत्र है, सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तु नः। यानी ये वेदोक्त मंत्र है, तांत्रोक्त मंत्र से वेदोक्त मंत्र 10 गुना अधिक फल देता है, ये ध्यान रखे साथियों। यानी वेदोक्त मंत्र आप लोग अगर कर सकें तो वो ज्यादा प्रभावकारी रहेगा। इसलिए आप लोग वेदोक्त मंत्र करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत शुभ भी रहेगा। भगवान शनिदेव की कृपा आप पे होने वाली है, भगवान शनिदेव की साढ़े साथी, भगवान शनिदेव की ढैया आपको अपने कर्म के लिए जागृत करने के लिए आती है। भगवान शनिदेव से सब लोग डरते हैं कि भगवान शनि की दशा है, शनि ये करेंगे, शनि वो करेंगे। शनि हमेशा शुभ करते हैं, आपको मार्ग पे लाते हैं। जो व्यक्ति भटक जाता है उसको मार्ग पे लाते हैं और जो व्यक्ति कुमार्गगामी हो जाता है उसको मार्ग पे ले आते हैं। यानी विशेषतर डर, जिस भी व्यक्ति के अंदर से डर खत्म हो जाता है उस व्यक्ति को भगवान शनिदेव डर दिखा करके उसके मार्ग पर चलाते हैं। तो भगवान शनिदेव देवताओं से लेकर के, राक्षसों से लेकर के, मनुष्यों से लेकर के, यानी 84 लाख योनियों में सब पर भगवान शनिदेव की दशा आती है। और वो दशा आपको शुभ फल तब देती है जब आप भगवान शनिदेव को मानते हैं, असहाय की सेवा करते हैं, दुखियों की सहायता करते हैं और
शुभ सोचते हैं। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो भगवान शनिदेव आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, और यदि आप इस तरीके से नहीं सोचते हैं तो भगवान शनिदेव आपको कष्ट देते हैं। तो भगवान शनिदेव के कष्ट से आपको निजात मिले, भगवान शनिदेव आपको कष्ट न दें, तो आप लोग जो है भगवान शनिदेव का चालीसा पढ़ें, मंत्र जाप करें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, शनिदेव के मंदिर जाएं और भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप जरूर करें। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, और भगवान शनिदेव आपको छप्पर फाड़ के देंगे। कैसी लगी साथियों आपको वीडियो? आप लोग शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। तो आप सभी लोगों को भगवान शनिदेव अपनी दशा से बहुत कुछ लाभ दे, और जो जो जिसकी कामना है वो आप लोगों की पूरी हो, यही कामना है साथियों। राधे राधे।